प्रॉब्लम किया था, आई गॉट अ कमेंट इन द मॉर्निंग, तो मैं उस वीडियो को रिपीट कर रहा हूँ कि गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद अगर आपको एसिमेट्री है दिख रही है तो क्या करें, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको कैसे मैनेज करें. सो बेसिकली रिपीट है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को. सो सपोज आपकी गायनेकोमास्टिया की सर्जरी हो गई, उसके बाद आपने नोट किया कि मुझे एसिमेट्री फील हो रही है, तो क्या करें. फर्स्ट चीज़, इनिशियली स्वेलिंग होती है, कई बार होता है कि एक साइड कम एक साइड ज़्यादा, वो नॉर्मल है, हो सकता है, डोंट बॉदर अबाउट इट. यूजली मसाज कंप्रेशन के साथ 3 मंथ्स में सेटल हो जाती है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होता है सिरोमा फॉर्मेशन. सो सिरोमा बन जाते हैं, ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स में बनते हैं, मैंने उसके ऊपर कई वीडियोज़ बनाए, सो आप उसको देख सकते हैं, बट वो भी ओवर 3 मंथ्स 90% से ज़्यादा पेशेंट्स में सेटल हो जाती है. किसी किसी पेशेंट में स्टेरॉयड या टचअप की जरूरत पड़ती है, बट यूजली सेटल्स. थर्ड कार मसल मिसमैच. सो कई बार होता है कि एक साइड की मसल थोड़ी सी हैवी है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कहते हैं सर ये वाली हैवी लग रही है, इधर फैट बच गया है. तो उसका टेस्ट आपको बताता हूँ किस तरह करते हैं. आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, या तो ऐसे पकड़ के अंदर कीजिए या टाइट ऐसे कर लीजिए. उसके बाद स्किन को पिंच करने की कोशिश कीजिए. देखिए अगर आप स्किन को ऐसे पिंच करेंगे और मसल टाइट करने के बाद अगर स्किन में कुछ है नहीं, इसका मतलब फैट तो बचा नहीं है. अगर आप फील कर पा रहे हैं ऐसे पूरा फैट मसल को टाइट करने के बाद, तब फैट हो सकता है. ऑफकोर्स सिरोमा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट हम लोग देख सकते हैं कि क्या चीज़ है. बट अगर स्किन, जैसे कल एक पेशेंट आए थे उनको मैंने टेस्ट किया, उनके बिल्कुल इतनी पत्ती सी स्किन थी, तो सारा फैट तो निकल चुका था. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. देन फोर्थ रीज़न होता है कि कई बार बोन डिफरेंस होती है. सो मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनको उन्होंने बार बार बोलते रहे मुझे यहाँ पे इस फैट छोड़ दिया, आपने फैट छोड़ा, बहुत नाराज़ भी रहते थे. फिर मैंने उनको बुलाया, बड़ी मुश्किल से आए, तो उनको मैंने प्रूव किया कि आपकी इस साइड की यहाँ की बोन दूसरी साइड के मुकाबले बड़ी है. सो बोन का जो मिसमैच होता है वो भी देखा गया है, और सर्जरी से पहले उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बिकॉज ऊपर से फैट होता है, आप कभी भी एग्जामिनेशन पे देख नहीं सकते. सो यहाँ पे यूजली कॉस्टली कॉन्ट्रिक कार्टिलेज होती है, कार्टिलेजेस होती हैं यहाँ पे इधर ऐसे, वो कई बार यूजली डिफरेंस हो सकता है. इवन बोन्स में भी फर्क हो जाता है. सो सर्जरी के बाद अगर आप ये देखें कि एसिमेट्री है, तो फर्स्ट स्वेलिंग, सेकेंड सिरोमा, थर्ड मसल का मिसमैच, फोर्थ बोन का मिसमैच, एक साइड बोन थोड़ी सी बड़ी एक साइड छोटी, तो ये बहुत रियल रीजंस हैं जो हम लोगों ने देखे हैं. और कई बार पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ये क्या हो गया, आपने ठीक से नहीं किया या किसी और डॉक्टर ने ठीक से नहीं किया. तो प्लीज़ रिमेंबर ये रियल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है. एंड लास्टली अगर स्किन एक्सेस है, सो फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा स्किन सैगिनेस थी और हमने सर्जरी करी और स्किन एक साइड पर ज़्यादा या एक साइड पर कम है, तो वो विजिबल डिफरेंस रहेगा, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, माइनस स्किन का अगर डिफरेंस आ रहा है. सो ये मैंने कल वीडियो लाइव भी किया था, बट आई थिंक कुछ ऑडियो इश्यूज आ गए थे उसमें, इस वजह से आई थॉट लेट मी कम बैक अगेन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कभी डिस्कस नहीं है किया जाता, कि सर्जरी के बाद अगर आपको एसिमेट्रीज आए या आपको फील हो कि गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद माइनर एसिमेट्री है, तो क्या करें, कैसे मैनेज करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों परेशान नहीं हो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड कीप फॉलोइंग मी. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें.